मारवाड़ का महाकुंभ कहलाने वाला बाबा रामदेव के बीज का मेला भरा जाता है और इसी बाबा के दर्शन के लिए दूर दराज से हजारों लोग पैदल, आपको बता दें जातरू के रूप में तो आते ही हैं, और कई लोग मोटरसाइकिल और चौपहिया वाहन लेकर भी उनका आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि बाबा रामदेव के रुणीचा जाने से पहले जोधपुर के बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ मंदिर में दर्शन करने जाना जरूरी होता है और तभी बाबा रामदेव की परिक्रमा पूरी होती है। और इसी को लेकर मसूरिया स्थित बाबा रामदेव के मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए हजारों की भीड़ जो है उमड़ रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट की ओर से आने वाले जातरूप के लिए विशेष चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, तो वही 24 घंटे दर्शन के लिए द्वार खुले रखे जाते हैं। इसके अलावा सुरक्षा के लिए चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा और पुलिस की निगरानी भी रखी जा रही है। वहीं इधर बाबा रामदेव के जातरुओं की संख्या को बढ़ते देख शहर के भामाशाह भी जगह जगह छात्रों के लिए चाय, नाश्ता और आराम की व्यवस्था कर रहा है। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ से विख्यात लोक देवता बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ की समाधि जोधपुर मसूरिया स्थित है और इस मंदिर के जातरुओं के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं हैं। हर साल भदवा के भदवा में, आपको बता दें, मसूरिया मंदिर में मेला होना शुरू हो जाता है और ऐसी मान्यता है कि लोक देवता बाबा रामदेव जी के रुणीचा धाम में दर्शन करने से पहले जोधपुर में स्थित उनके गुरु बाबा बालीनाथ जी की समाधि के दर्शन करना जरूरी है। उनके दर्शन के बिना लोक देवता रामदेव बाबा के दर्शन का कोई लाभ नहीं मिलता है और हर साल भादवा शुक्ल द्वितीय बाबा का बीज से भादवा शुक्ल दशमी बाबा की दसवीं तक, आपको बता दें, मसूरिया मंदिर में लाखों की संख्या में जातरु दर्शन करने के लिए आते हैं। कई जातरु हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा कर दर्शन के लिए पहुंचते हैं, तो वहीं कई, आपको बता दें, अलग अलग माध्यमों से बाबा के धोक लगाने के लिए पहुंचते हैं। वहीं यहां आने वाले जो लोग हैं वो बाबा के पर्चा नाड़ी में भी स्नान कर अपने पाप धोते हैं। वहीं बाबा रामदेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र चौहान ने बताया कि मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 60 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तो वहीं महिलाओं और पुरुषों के दर्शन के लिए अलग अलग लाइन जो है वो लगाई गई है। इसके अलावा गर्भगृह में दर्शन के लिए अलग व्यवस्था की गई है, साथ ही प्रसाद के लिए भी अलग व्यवस्थाएं की गई है। मेले को देखते हुए मंदिर प्रशासन ट्रस्ट की ओर से पूरे मंदिर को साज सज्जा के साथ, आपको बता दें, एलईडी लाइटें भी यहाँ लगाई गई है। ये रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी की समाधि है। यहाँ पे गुरु के पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद में ही वो चले रामदेव जी के दर्शन करते हैं, जब भी उनकी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ प्रचनाडी में भी लोग स्नान करते हैं, उसके कारण से कई लोगों को भूत प्रेत है और कोई तरह की साया है या कोई कष्ट है, कोई कोड है, वो भी यहाँ से निकलता है। और लोग नाडी में काफ़ी स्नान करते हैं, उससे भी लोगों को राहत मिलती है। जब भी लोग आस्था से यहाँ पे आते हैं और आस्था से ही वहाँ नाम दे जाते हैं कि आस्था का मेला है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, सबसे ज़्यादा गुजरात और हरियाणा, सब जगह से और मुंबई से आने लगे हैं। मुंबई रामदेव जी का गुरु बालीनाथ जी की समाधि स्थल मसूरिया में मेला की शुरुआत हो गई। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से मेला शुरू हो गया है और मेले की पूर्ण तैयारी हमने कर दी गई है। निगम और पुलिस प्रशासन भी अपने एक एक चौकी लगा चुके हैं और सफाई की व्यवस्था भी वो शुरू कर दी है निगम द्वारा। और यहाँ से लोग बाग दर्शन करके फिर वहाँ रामदेरा जाते हैं, जब भी उनकी मनोकामना पूरी होते हैं, क्योंकि यहाँ के गुरु का स्थान है और गुरु के दर्शन के समाधि के दर्शन करके फिर रामदेव के अंदर रामदेव जी की समाधि के दर्शन करते हैं, जब भी उनकी मनोकामना पूरी होती है। जोधपुर से आए पूरी भक्ताशी से, हमारी नानी जी को बहुत शौक है रामदेव जी का, कब से बोल रहे चलो चलो भादवा लग गया तो हम दर्शन करने आए बाबा। हर साल आते हैं, हम लोग शादी को 3 साल, हम लोग 3 साल से आ रहे हैं। ये मेरी नानी है और हम आए नागौर से और अब नानी को दर्शन कराने के लिए आए। 20 साल से, मतलब 20-25 साल से इनका ही मानते हैं बाबा रामदेव का। ये बाबा रामदेव के बहुत बड़े भक्त हैं, तो बस शुरू से ही बात बाबा रामदेव के भक्त हैं। ये 90 साल के हो गए। अभी कितने दिन हो गए पैदल चलते हुए आपको? 17 दिन हो गए। 14 दिन हो गए। आगे रामदेव रह जाएंगे? रामदेव रह जा रहे हैं हम लोग। कहते हैं जय बाबा जी। आप कहाँ से? जिला इंदौर और तहसील महू पंचायत मेन से निकले हम। 20 जने की यात्रा है, तो पैदल यात्रा मेरे को 17 साल हो गया बाबा से आते आते। तो यही मनोकामना लेके चल रहे हैं कि बाबा से सबकी मनोकामना पूरी हो, हमारी भी हो और सबकी अच्छी भक्ति मिले, यही सदा और यही भक्ति है।
सबकी जय जयकार। कितने लोग आए हैं? 20 लोग हैं हम। पैदल आए? पैदल यात्रा बिल्कुल। जय बाबे री साहब, भादवा लगते ही मेला शुरू हो गया है और यात्री आने शुरू हो गए हैं। कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, कोई रेल से आ रहा है। जैसे जैसे उनकी भावनाओं के हिसाब से सब अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर पहुंच रहे हैं और गुरु बालीनाथ जी महाराज के दर्शन का लाभ ले रहे हैं और आगे के लिए रामदेव के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जय बाबे री साहब।